और यार बहुत दिनों से मैं जिस चीज का इंतजार था, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उस सफर के लिए निकल रहे हैं। क्या इम्तियाज? अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग जा रहे हैं उमरा करने के लिए, और ये उमरा आज हमारे लिए, स्पेशली हमारे लिए बहुत ही यादगार होगा, क्योंकि आज का जो उमरा हो सके तो हम लोग अपने अब्बा अम्मी के साथ में करेंगे। हमारे अब्बा अम्मी जो है वो मक्का में आए हुए हैं। इम्तियाज भाई के अम्मी पापा माशाल्लाह पहुंचे हुए उमरा करने के लिए, इस वक्त मक्का में है। तो और ये मेरे YouTube चैनल पे पहला वीडियो होगा जो हम मक्का ये का वीडियो डाल रहे हैं, मतलब उमरा उमरा करते हुए डालेंगे। अभी तो जाहिर है इंशाल्लाह आगे जैसे होगा हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। अभी हम लोग तुरंत ही निकले हैं, अभी यहाँ पे 4 बज रहे हैं शाम के, इंशाल्लाह रात के 12 बजे तक पहुँच जाएंगे। 800 किलोमीटर है। तो कौन कौन है हमारे साथ? मैं हूँ इम्तियाज भाई, लतीफ भाई, रियाज हमारा, काफी सारे लोग हैं। सबसे पहले तो सफर की दुआ से स्टार्ट करना चाहिए लतीफ भाई। सिलाहुल्मुमिन, दुआ मोमिन का सिलाह है, उसमें बहुत फ़ायदा होता है, इसलिए हम दुआ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। सुभानल्लज़ी सख़्खरा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन वा इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फी सफरिना हाज़ा अल-बिर्रा वत्तक़्वा ومن العمل ما تحب وترضى اللهم أعن علينا سفرنا وطبيعنا بعدة اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. ये था हम लोगों का दुआ सफर का। हाँ। और इंशाल्लाह सफर आगे भी अच्छा होगा हम लोगों का, इंशाल्लाह। और वैसे भी कहीं भी छोटे सफर के लिए निकलो या बड़े सफर के लिए निकलो, हमेशा दुआ की सफर की दुआ जो है पढ़ के ही निकलना चाहिए, तो उसमें जो है वो अल्लाह आपकी हिफाजत करता है इंशाल्लाह, और मतलब हर चीज से महफूज रहोगे अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है, चलो मिलते हैं आगे, अब जिससे होगा आगे अब शेयर करेंगे हम लोग। हाँ भाई, तो आ चुके हैं अभी मक्का रोड पे, मेन रोड पे आ चुके हैं। अब यहाँ से बिल्कुल सीधे जाएंगे मक्का के लिए, 800 किलोमीटर। हाँ, 800 किलोमीटर स्ट्रेट। सामने शम्स है, मतलब कि सूरज, धूप बहुत तेज है। ज्यादा ट्रैफिक के बाद थोड़ी सी राहत मिली है, और सामने का जो सीन है वो है गजब, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा ही चले थे, लेकिन कार का टायर जो है पंक्चर हो गया है, व्हील करा रहे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से हवा निकल रहा है ना, वहाँ हवा निकल रहा है। हो गया गाड़ी का काम, हम अब तेल डलवाना है, बस टैंक फुल कराते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। छोटा सा एक पंचर निकला, फिर टैंक फुल करा लिया है, पंचर जुड़वा लिया है, और अब जो है वो निकल चुके हैं दोबारा से अपने सफर की तरफ इंशाल्लाह। एक ही बार रुकेंगे हमारी टाइमिंग नमाज के लिए इंशाल्लाह। चलो चलते हैं, अब थोड़ा सा आपको सड़क वड़क दिखाते हैं, रोड दिखाते हैं। वैसे तो खुले रोड हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी दर्शन कराते हैं आपको।
जैसा कि आप देख रहे हो हमारे सामने, शायद हम आपको नजर नहीं आते होंगे, होए होए क्या रोशनी हो गई है बेहतरीन। तो अभी ये दूसरा शहर पड़ा है, पता नहीं कौन सा है। अभी 100-100 किलोमीटर के बाद लगभग कोई सिटी आता है, उसमें जब हम निकलते हैं और बेहतरीन घूमते हुए ऐसे ही जाते हैं। माशाल्लाह सफर बहुत ही जबरदस्त जा रहा है। इम्तियाज भाई हमारे जो है वो बड़ी ही जबरदस्त गाड़ी चला रहे हैं अभी तक। लेकिन जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे हम उम्रा कर चुके होंगे इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी आज देख सकते हैं आगे क्या जबरदस्त नजारा है। यार चलते 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 आप बोर हो गए, तो अभी स्नैक टाइम चल रहा है। बड़ा ही जबरदस्त बिस्कुट है, ऊपर तिल लगे हुए। मजा आ रहा है। फयाज ने तो एक नींद भी पूरी कर ली। इधर तुम दिखाई भी तो नहीं दे रहे। सो लिया खूब अच्छे से माशाल्लाह। कल में बहुत हैवी बन गई है, क्या क्या देखा है उसमें? केला है, ऑरेंज है, हाँ फ्रूट्स की भी खुशबू आ रही है इसमें से। फ्रूट्स की खुशबू आ रही है भाई, उसके अंदर बनाना है, ऑरेंज है। मुझे मालूम था कि हम तो रास्ता में लंबा सफर है, तो रास्ता में खाते चलेंगे। मिलेगा तो अभी हम लोग 500 किलोमीटर चलने के बाद रुके थे थोड़ा सा पेट्रोल पंप पे, वहाँ पे नमाज पढ़े हैं मगरिब ओडिशा का, और अब जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो सुल्तान भाई रास्ता का खाना यही बेस्ट है ना? रास्ता का खाना यही सही है। डालिए तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना हो गया, और अभी हम लोग नमाज भी पढ़ लिए हैं मगरिब ओडिशा का। क्या चाय पिए? क्या चाय पी रहे हैं सुल्तान भाई? कार चला रहे हैं मजे। तो अभी हम लोग का 400 किलोमीटर रिमेनिंग है, तो अब हम लोग जो नेक्स्ट स्टॉप जो होगा वो हम लोग का मिकात पी होगा, जो मिकात टाइप से आ गया इंशाल्लाह। हाँ टाइप से निकल के। तो चलिए फिर मिलते हैं मिकात पे, मिलते हैं अब। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मिकात पे, अभी यहाँ पे हम लोग एहराम तो हम लोग पास है, बैग नहीं था तो बैग लिए। सब जगह लाइन लगा हुआ भाई। अस्सलाम वालेकुम। तो हम तो एहराम पहन लिए हैं नहा के, और जो हमारे साथ में थे सुजान भाई और फयाज लोग, वो लोग कहीं और चले गए हैं किसी और बाथरूम में। तो अभी हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए दौरे का सुन्नत नमाज, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे एक साथ मक्का। पानी दे रहा है। तो हम लोग आ चुके हैं मिकात ताइफ में, अभी यहाँ से निकलेंगे मक्का के लिए इंशाल्लाह। आराम बांध लिया। हाँ भाई लतीफ भाई सही है, सही है। हम अभी वसल वसल सब हो गया, वजू बनाया, एहराम का 2 रकात नमाज भी पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सुन्नत के हिसाब से हम गाड़ी में बैठ के इंशाल्लाह हम नियत करेगा। तो अब हम लोग मिकात से निकल चुके हैं मक्का के लिए। ये अभी हम लोग उम्रा के लिए नियत कर लिया, उम्रा में ले गया। अभी इंशाल्लाह उम्रा में है ना, सबसे अफसल तो यहाँ पे बोर्ड देख सकते हैं, नॉन मुस्लिम के लिए रास्ता अलग है यहाँ पे जाने के लिए। जो नॉन मुस्लिम है वो मक्का बदीन नहीं जा सकते, उनके लिए रास्ता किसी साइड से बना हुआ है, ये सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए। तो अभी हम लोग 10 किलोमीटर दूर है मक्का से, यहाँ से दिख रहा है क्लॉक टावर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का एक अच्छा काम हो गया कि कार पार्किंग मिल गया,
अभी हम लोग जा रहे हैं होटल में जहाँ पे रुके हुए हैं अब्बू अम्मी। ये मक्का की बस है, मक्का बस। ये सामने क्लॉक टावर और इसी के आसपास में होटल है। 3 मिनट रिमेनिंग है बाई वॉक। तो अब्बू से मुलाकात हो गया है, अब्बू थे होटल में, अभी हम लोग जा रहे हैं नमाज। अब्बू नमाज पढ़ेंगे फजर का, हम लोग उमरा करेंगे और हम ही पीछे हैं याद के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ हम लोग नीचे ही करेंगे, सामने काबा। वो जो ग्रीन लाइट है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे तवाफ। 7 चक्कर लगाना पड़ेगा वहाँ से। ये है सामने काबा। अभी हम लोग 4 बारी तवाफ किए हैं, लेकिन अभी नमाज का टाइम हो गया फजर का। यहाँ पे लैन सब लग चुका है काबा के सामने ही, और हम लोग बिल्कुल दम सामने में हैं। तो अभी यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे हैं फजर के अजान का, जो होने ही वाला है। देर में टाइम हो चुका है। तो हम लोगों ने उमड़ा कंप्लीट कर लिया, अब जा रहा थोड़ा सा कराने के लिए हेयर कटिंग, उसके बाद फिर जाएंगे रूम में, उसका फिर तैयारी करेंगे नमाज। क्या था भाई सुल्तान भाई का हाल खराब हो गया है, थक गया पूरा। थक जाने का कारण क्योंकि हम लोग कार ड्राइव किए, इसके बाद फिर हम लोग उमड़ा करने चले हैं ना, ज़्यादा थक गया। इस पूरे बिल्डिंग में इस सामने में 2 खिड़की क्यों है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट कीजिए, बता कमेंट कीजिए। माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, कितना सारा कबूतर है यहाँ पे। देखे कितने कबूतर बच्चे लगे हैं।